देखो जिसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कपिल देव की जो संवाद सुने हैं, जब उन्होंने भगवान की आराधना की, जब भगवान संतुष्ट हुए, बोले वर मांगो, बोले प्रभु आपकी चरण में हमारी अचला भक्ति हो, बोले तथा से, बोले और क्या चाहते हो, बोले प्रभु मेरे मन में कोई इच्छा नहीं संसार की, लेकिन आपकी इच्छा है ये संसार की क्रम बढ़े, इसलिए मैं संसार करूंगा, लेकिन तब तक रहूंगा जब तक घर में संतान नहीं हो जाए, फिर मैं साधु बन जाऊंगा। भगवान बोले तथास्तु। अभी यहाँ प्रश्न है, जब उनको नौ कन्या की शादी हो गई, अभी घर में केवल तीन व्यक्ति रह गए, श्री कर्दम ऋषि, माता देवती और बेटा श्री कपिल देव। लेकिन अभी उन्होंने भजन करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रश्न करते हैं, बोले भैया भजन किसके करने जा रहे हैं? बोले भगवान तो तेरे घर में बैठे, बोले भगवान तो तेरे घर में बैठे हुए, फिर तो घर में भगवान रहते हुए और किसको भजन करने के लिए क्यों जा रहे हो? तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तीन कारण बताए, भगवान साक्षात रहते हुए भी फिर ये भक्ति करने का क्या जरूरत है? तो यहाँ पर बताए, कहते भक्ति की, कहते साधन का तीन स्टेज से बताए, एक है साधन, दूसरा भाव और एक प्रेम। कहते प्रेम का विशेष दो लक्षण बताए, बोले सांदर नांदा विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षण चसा, ये प्रेम का दो लक्षण है। बोले इसका मतलब क्या, जब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम आए, जैसे दूध को गर्म करते करते किसी राबिन बन जाती है, जब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होना, बोले प्रति पद पूर्णामृता आस्वादन, आपको प्रति पद पद में एक नई नई आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन ये जगत में हर आनंद घटते जाती है, हर आनंद एक रसगुल्ला दो कैसे, बोले बहुत बढ़िया, बोले और एक रसगुल्ला दो कैसे, बोले ठीक है, बोले और एक रसगुल्ला, बोले ठीक है, बोले और एक, बोले नहीं, बोले अगर जोर से ले लो ना, अगर चौथा बोले उल्टी हो जाए। अभी जगत में पहले पत्नी कैसे लगती है, ये लगती है जैसे चंद्रमुखी, कुछ दिन बाद में फिर सूर्यमुखी, बाद में फिर ज्वालामुखी, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। अब ये जगत में बहुत एक सुंदर कोई सिनेमा आई, आपको पहले क्या सुंदर है, दो बार ठीक है, चौथे बार ठीक है, चार पांच देख लिया ना, बल्कि और देख ही नहीं सकते हो चीजें, और देख नहीं सकते हो। ये जगत में जो आनंद है वो बढ़ती नहीं, ये आनंद धीरे 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 घटती है, लेकिन जो भगवान के प्रति जो प्रेम है ये कभी घटती नहीं, ये प्रेम बढ़ती है, ये प्रेम कभी घटती नहीं। इसलिए बोले सांतरनादा विशेष आत्मा, और जो दूसरी जो गुण है, बोले श्री राधा रमण लाल की, कहते जो दूसरी लक्षण है श्री कृष्णाकर्षण चसा, इसका मतलब है जैसे कमल का फूल खिल जाए, कभी जो फूल है ना वो भौरा के पास में नहीं जाता है, ये भौरा ये फूल के पास में आता है। इसलिए गोपियां कृष्ण के पास नहीं जाती थी, कृष्ण ये गोपियों के घर में आकर के मक्खन चोरी करती थी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान अगर हमें मिल गए, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं, अगर भगवान हमें मिल गए ना, हमारी कोई लाभ नहीं होगा। उदाहरण दिया, जैसे रावण ने राम को देखा कि नहीं, बताओ तो देखा कि नहीं, लेकिन कोई लाभ हुआ है? भगवान माता सीता को उठा कर ले गया, और भगवान को साथ जिंदगी भर बैरी, भगवान के साथ में जिंदगी, लक्ष्मण ने तो लक्ष्मण को ऊपर में वैद्यनाग ने उन्होंने शक्ति शैल को प्रयोग की और नागभास बंधन में बांध दिए। कंस ने कृष्ण को देखा कि नहीं, बताओ देखा कि नहीं, देखा ही ना, कोई लाभ हुआ? शिशुपाल कृष्ण को देखे कि नहीं, कृष्ण सामने खड़े हुए, 101 काली भगवान को उसने निकाला, कभी इसका हृदय क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तीन कारण बताते हैं, घर में भगवान रहते हुए ये कपिल देव क्यों जंगल जा रहे हैं भजन करने के लिए। बोले कारण है, जब तक हृदय में प्रेम तुम्हारी नहीं होगी, भगवान साक्षात होने पर भी तुम्हारी कोई लाभ नहीं, इसलिए साधन की जरूरत है, ये एक कारण है। दूसरा कारण है,
कहते इनकी भगवान के प्रति जो प्रेम है दास्य रस है, ये भगवान को मानते हैं, ये प्रभु, ये मेरे प्रभु है, मैं इनका सेवक। लेकिन अभी भगवान भगवान अभी पुत्र बन करके आए, अगर पुत्र बन करके आए तो उसको पुत्र रूप में देखना पड़ेगा। ये बात्सल्य रस है, इसलिए बात्सल्य और जो दास्य रस है ना, देखा ये दोनों टकरा रहे हैं, ये दोनों टकरा रहे हैं, बोले भैया गड़बड़ी है। तीसरा कारण बताए, कहते कहां भगवान, भगवान ने कहा मां तुम मेरे भक्तों का संग करो, मेरे भक्तों की संग से ही तुम्हारी कल्याण होगी। लेकिन माँ ने पूछी बेटा तुमने बता दिया भक्तों का संग करो, लेकिन कुछ पहचान भी तो होनी चाहिए ना, ना जिसको तिसको हम भक्त मान बैठेंगे, उसमें कुछ पहचान होनी चाहिए। बोले क्या पहचान होनी चाहिए, तो उन्होंने दो लक्षण बताए, एक है इनकी स्वरूप लक्षण और एक है इनकी तटस्थ लक्षण। देखो ध्यान से सुनो, ये बच्चे को गोद में बैठा किसकी बच्चे है, इसलिए कहते इनकी दो लक्षण है, कहते इनकी एक पाछी की लक्षण है और एक उनकी अंदर की लक्षण है। इसलिए वैष्णव का अंदर में 26 लक्षण होता है, 26 लक्षण में एक तक 25 लक्षण तो होता है बाहर का लक्षण है, लेकिन एक लक्षण उनकी असली लक्षण है, एक लक्षण। और उसी में भी भगवान कहते हैं मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंति जतिना, भक्ति कैसे होनी चाहिए, बोले अनन्य, अनन्य मतलब ना अन्य, और किसी की आराधना नहीं होनी चाहिए, खिचड़ी भक्ति नहीं होनी चाहिए, हैं खिचड़ी भक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। बहुनिष्ठ भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। आज किसी देवता को पूजा कर दी, इच्छा पूरी नहीं हुआ, हमने सुना अमुक जाओ कोई भी बाबा है, बोले वहां पर चले गए, कृष्ण गुरु जी से दीक्षा मंत्र लिए, फिर नवदुर्गा की नवरात्रि आए तभी नवरात्रि करते हैं, क्या ये शुद्ध भक्ति है तुम्हारी, ये क्या शुद्ध भक्ति तुम्हारी, ये शुद्ध भक्ति है ही नहीं। देखो गुरु जी एक सुंदर कथा सुना देते, एक सुंदर कथा, बोले ब्रज में श्री राधा कुंड में कोई एक संत रहते थे, वो जब भजन करते थे राधा कुंड में बैठ करके, उसी समय जब राधा रानी के चरण को चिंतन करते थे, उनका मन एकदम राधा जी के चरण में अभिष्ट हो जाता था और बड़ी मस्ती आती थी, बड़ी आनंद आता था। एक दिन इनके मन में इच्छा हुई, एक बार द्वारका घूम करके आए, फिर सोच रहा है अरे जब राधा जी के चरण में रह रहे हैं, फिर द्वारका जाने का क्या जरूरत है, कभी कभी इच्छा होती थी एक बार घूम आए। एक समय कोई एक ब्रजवासी बोले बाबा बाबा हम द्वारका जाना चाहते हैं, लेकिन कोई संगी नहीं मिल रहा है, अब जाओगे, बोला हाँ मेरे मन में भी तो कभी इच्छा हुई थी लेकिन अभी कोई इच्छा नहीं, बोले चलो ना खर्चा पानी की कोई चिंता नहीं, सारे खर्चा पानी मैं दूंगा, लेकिन मेरे को एक संगी चाहिए, बोले भैया एक बार द्वारका घूम ही आते। तो वो गए द्वारका में, तो गए लेकिन वहां पर किया गया मैंने छाप लगा करके, शंख चक्र गदा पद्म को उन्होंने छाप लगवा दिया, ये जो शंख चक्र गदा पद्म ये वैकुंठ नारायण भक्तों का लिए होता है, लेकिन उन्होंने वो छाप को लगा करके उन्होंने आ गए कहां ब्रज में। जब राधा कुंड में भजन करने के लिए बैठे, इनका मन और भजन में नहीं लग रहा, पहले जो मस्ती आती थी आनंद आता था राधा जी के चरण में मन डूब जाती थी, और उनका मन और राधा जी के चरण में नहीं लगता है, मन छटपट छटपट हो रहा है, बोले आज ऐसे क्यों हो गया, बोले हे राधे ये मन आपके चरण में क्यों नहीं लग रहा है। इतने में आकाशवाणी हुई, बोले देखो इसी जीवन में और मेरी तेरी बड़ी कृपा नहीं, तो मेरे चरण में रहता रहता करता था, किसी चीज की कमी थी, तुम जो मेरे चरण को छोड़ करके द्वारका गया, और गया तक गया तुमने, लेकिन ये सब छाप शंख चक्र गदा पद्म की तुमने छाप भी भर लगा करके आ गया, ये वैकुंठ का चिन्ह है, अभी मेरी परिकर में तुम्हारी कोई स्थान नहीं, इसी जीवन में मेरी कोई कृपा नहीं होगी तुम्हारे ऊपर में। जब उसने देखा भैया इसी जीवन में अगर श्री किशोर जी की कृपा नहीं हो, फिर ये प्राण रखकर के क्या लाभ है। इसलिए जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी सो नियम दशकम में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अगर हम सुने श्री राधा रानी द्वारका में हम पंख लगा कर उड़ते हुए चले जाएंगे, अगर सुने के राधा रानी है नहीं, भले ही जो कुछ हो वहां जाने वाले,
नहीं, इसलिए राग भरत चंद्रिका ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छी बात कहते हैं, हैं? भक्ति कोशक, भक्ति विरोध, भक्ति अविरोध, भक्ति संबंध, क्या करने से भक्ति बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं माँ भक्ति एक अनिष्ट भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति से मुझको कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए और विशेष करके हमारे गौड़ीय वैष्णव में कहते राधा रानी के परिक्रमा में तीन विशेष है, उनका एक स्वपक्ष, एक विपक्ष और एक तटस्थ, उनके तीन तरह का सखियां हैं। स्वपक्ष में कौन है कहते, उनका विपक्ष में कौन है बोले चंद्रावली का जो दल है, वो केवल कृष्ण निष्ठ है, राधा रानी के प्रति उनका कोई निष्ठा नहीं, श्री कृष्ण निष्ठ है। कहते उनको तटस्थ कौन है कहते ये ललिता विशाखा जी सखियां हैं, एक कृष्ण को भी प्रेम करती है और श्री किशोर जी को भी प्रेम करती है, लेकिन करने पर भी झुके ये किस तरफ में बोले राधा जी के चरण में ज्यादा झुके। कहते स्वपक्ष कौन है बोले श्री केवल श्री राधा रानी का सुख में सुखी, राधा रानी के दुख में जो दुखी। अगर पासा खेलते हुए अगर राधा रानी का जीत हो जाते ना, इसको दोनों ताली बजाते बोले हमारे श्री किशोर जी की जयकार हो गया, बोले श्रीमती राधा रानी की। अगर कृष्णा अगर जीत गए ना, इनका मुंह सूख जाती है बोले हमारी किशोरी जी हार गई है, हमारी किशोरी जी हार गई है। इसलिए हमारी जो भक्ति जगत में महाप्रभु को जो धारा में है, महाप्रभु ने ब्रह्मा का एक दिन में जो एक बार आकर के वो जो ब्रह्मा शंकर उद्धव जो प्रेम के लिए लालायित होते हैं, महाप्रभु ने वो भाव हमें दे कर गए। और निकुंज की सेवा राधा जी की अनुगत्य में जो केवल राधा जी की सुख में सुखी और दुख में दुखी, वही भक्ति हमारे लिए श्रेय भक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं माँ भक्ति अनन्य भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति से। हम देखते बहुत दिन से गौड़ीय मठ में आ रहे हैं लेकिन अभी तक केवल देखने के लिए आ रहे हैं, गले में कंठी नहीं, तिलक नहीं, एकादशी नहीं है, और अनन्य भक्ति है नहीं सब जगह में, हाँ सब जगह में जाने पर नहीं भक्ति अनन्य भक्ति भगवान कहते अगर अनन्य भक्ति करेगा तो इसी से ही मैं प्रसन्न होता हूँ। इसलिए भागवत में एक श्लोक आया, वश्य कुर्वन्ति माम भक्त्या सत पत्नी सत पति यथा, जैसे एक पति प्रथा नारी पति की सेवा करते 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 पति को वशीभूत कर लेती है, ऐसे ही मेरे भक्त एक निष्ठ रूप में मेरे को सेवा करते 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 मेरे को ये वशीभूत कर देते हैं भक्त लोग, ऐसे भक्ति से ही जीव मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान के चरण में एक निष्ठ भक्ति करनी चाहिए, बहुत निष्ठ है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबके सब अभी खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक बढ़िया भजन गाएंगे। देखो हाँ देखो ये कौन सा महीना है, अधिक महीना, कौन सा महीना है अधिक, पुरुष होता हूँ महीना। कल मैंने बताया था ना, अगर पुरुष होता हो महीना में एक बार कोई प्रभु का नाम ले, 100 बार नाम लेने का फल मिलता है। और अब ठाकुर को सामने अगर कोई नृत्य करेगा ना, सब जो ठाकुर को पास में सीधा ठाकुर के लिए जाएंगे, फिर जब किसको सामने नाचने का जरूरत नहीं तो दुनिया में 84 लाख जन में फिर नाचना पड़ेगा जो ठाकुर की भजन में नहीं नाचेगा। इसलिए सबके सब आनंद पूर्वक ठाकुर जी का कीर्तन में सबको नाचने का है।